आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी और टेस्टी गोभी फ्राई बनाएंगे। घर में कोई पार्टी रखी है या मेहमान आने वाले हैं, तो उस टाइम पे इसे आप स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी गोभी फ्राई। एक बड़ी साइज का गोभी लिया है, ये आधा किलो गोभी है, इसका हम फ्लोरेक्स अलग कर लेंगे। इस तरह से इसका फ्लोरेक्स कट कर लेंगे। बड़ी साइज का फ्लोरेक्स को इस तरह से बीच में से कट करेंगे। गोभी को ब्लांच करने के लिए कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और पानी में एक उबाल आ गया है। एक टीस्पून नमक डालेंगे। नमक पानी में अच्छे से घुल गया है। गोभी अंदर डाल देंगे। तेज आंच पे 2 मिनट के लिए गोभी को उबालेंगे। 2 मिनट हो गई है तो इसे निकाल लेंगे, स्ट्रेनर में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। गैस ऑफ कर देंगे, इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेंगे। बैटर बनाएंगे। बाउल में 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून चिली विनेगर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम रेड फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने ये सभी सॉस डाला है उसी के वजह से ही रेड कलर आ जाएगा। इसमें 1/2 कप राइस फ्लोर डालेंगे, चावल का आटा, 1/2 कप कॉर्न फ्लोर, 1/2 कप बेसन। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बनाएंगे। इसमें 1 टीस्पून सेजवान चटनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो 1/2 टीस्पून नमक में डाल रही हूँ। बैटर को आप पहले टेस्ट कर लेना फिर नमक डालना। पकोड़े के बैटर के जैसा मीडियम गाढ़ा बैटर बनाना है। मैंने इसमें 1 कप और 1 टेबलस्पून पानी डाल के बैटर बनाया है और इस तरह से चम्मच के ऊपर बैटर कोट होना चाहिए, आप देख सकते हैं। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, इस तरह से बैटर में थोड़ी गोभी डालेंगे और डिप करेंगे, तेल में डाल देंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। इसे उलट पलट के गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई करना है। लास्ट में इसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और एकदम क्रिस्पी भी हो गया है, तो इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी के गोभी को भी फ्राई करेंगे। ये भी क्रिस्पी हो गया है। इसमें हम 1 मुट्ठी करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता भी साथ में एकदम क्रिस्पी हो जाएगा तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये एकदम क्रिस्पी हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। अगर आपको इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है तो आप इसे गरम तेल में डाल के 3 से 4 मिनट फ्राई करके निकाल देना, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा इसके बाद वापस इसे एकदम गर्म तेल में डाल के 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगा। एक्स्ट्रा तेल इस तरह से झाड़ लेंगे। यही बैटर में आप शिमला मिर्ची और बेबी कॉर्न को भी डीप करके फ्राई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी फ्राई बनके रेडी हो गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।